अष्टवक्र कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक सम्मिलन को समाप्त करके ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यहाँ जानकर ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यहाँ विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यहाँ जानकर ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्मा से योग एक रूपता को प्राप्त करो। अष्टवक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूँ और यहाँ जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यहाँ ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है और ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूँ और यहाँ दृश्यमान संसार लहरों के समान। यहाँ ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है और ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। यहाँ विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यहाँ ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है और ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में है। यहाँ ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है और ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपने अंत वायु से इधर उधर घुमाता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं आता है। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती है, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता स्वप्न है, मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूँ। उस अनंत और निरंजन अवस्था में ना मैं का भाव है और ना कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार आसक्त बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूँ। आश्चर्य, मैं शुद्ध चेतना हूँ और यहाँ जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे उपयोगी और बुरे अनुपयोगी की कल्पना।